अब फेरना चालू करते हैं और हम गिनना भी चालू करेंगे इस बार। एक, दो, तीन, चार, पांच, सात, आठ। 25-25 किलो की ये मुग्धर जोड़ी, यानी कि कुल 50 किलो के इस उपकरण को फेरने वाले महाशय बेनीपुर वाराणसी के रहने वाले 75 वर्षीय श्रीमान श्रीधर मिश्रा जी हैं। मुग्धर लकड़ी का एक वजनी उपकरण होता है जिसका उपयोग अखाड़ों में व्यायाम के लिए होता है। मुग्धर चूंकि एक साथ दो यानी एक जोड़ा वर्जिश के दौरान प्रयोग किया जाता है, सो जोड़ी के नाम से भी भारतीय अखाड़ों में प्रसिद्ध है। अंग्रेजी में मुग्धर को पर्शियन मील्स के नाम से जाना जाता है। कारण यह है कि प्राचीन पर्शिया, जिसका अधिकतर हिस्सा अब आधुनिक ईरान में है, वहां भी ये काफी प्रसिद्ध व्यायाम उपकरण था। जोड़ी फेरना एक प्राचीन कला है और अफसोस की बात यह है कि ये कला अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। दरअसल फास्ट फूड कल्चर की तरह ही शरीर सौष्ठव के क्षेत्र में भी जिम की घुसपैठ हुई। शौक के लिए जब आधुनिकता से चकाचौंध बाजार मिला तो अखाड़ों के दिन लत गए। धूल फांकने और कठोर रियाज में पसीना बहाने के बजाय वातानुकूलित हॉल में प्रोटीन शेक और बार से मसल्स उभारना आज के युवाओं को ज्यादा रास आया है। बनारस, जहां कभी पहलवानों मल्लों की छवि एक हीरो जैसी हुआ करती थी, यहां के अखाड़े भी आजकल सूने पड़े रहते हैं। कहने को दो चार पहलवान नियमित अभ्यास के लिए आते हैं, पर जोड़ी फेरने में उनकी बहुत अधिक दिलचस्पी नहीं रहती। इस सैकड़ों वर्ष पुरानी शौर्य कला को धरोहर के रूप में ही सही सहेजे जाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन और संरक्षण की ज़रूरत है, वरना ये कहना अनुचित नहीं होगा कि ये कला श्रीमान श्रीधर मिश्रा जैसे पहलवानों के साथ ही लुप्त हो जाएगी। 25 किलो जोड़ी, 25-25 किलो की जोड़ी, 26-27 हाथ बाबा जी ने फेरा। तालियां जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय बाबा जी के लिए, बंशीधर पांडे जी के लिए। आपने इस उम्र में 27 हाथ जोड़ी फेरे, इसके लिए आप बधाई के पात्र। उम्र 57 की, 75 की।